व्हाट्सअप यूट्यूब फैम, वेलकम बैक टू माई चैनल एमी जैन। तो यार आज सुबह उठना था 6:30 बजे, बट अलार्म हो गया ऑफ एंड अब मैं उठ रहा हूँ 8:30 बजे। तो बाकी सारे राइडर्स जो हैं वो पहुंच चुके हैं लोकेशन पे। आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा, आज हम एक बाइकर्स कैफे जा रहे हैं जिसका नाम पिस स्टॉप है, यानी GFR पे पड़ता है। तो काफ़ी अच्छा ये जो सेटअप उन्होंने करा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सेटअप है। तो अपार्ट फ्रॉम अदर आउटलेट्स, वहाँ पे बहुत सारे आउटलेट्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, सो यू कैन गो एंड विजिट देयर। सो अब हम जल्दी से वहाँ जाते हैं। अब हमारे साथ कोई और राइड नहीं कर रहा है क्योंकि हम लेट हो चुके हैं, तो हमें अकेले जाना पड़ेगा। आते हमारे साथ कुछ राइडर्स होंगे जो थोड़े बहुत पॉइंट तक हमारे साथ रहेंगे। तो जल्दी से चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें, लेट्स गो। ये हमारे कशिश भाई, जिनकी वजह से आज ही मेरी राइड हो पाई है। एंड इनको लगा था कि मैं इनको धोखा दे दूंगा, बट नहीं, 8:30 बजे उठने के बाद भी मैं आया इनसे मिलने। जैसा कि देखा आप लोगों ने, हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं एंड हमारी यहाँ पे राइड हुई है, ये पॉसिबल हुई है कशिश की वजह से। एंड स्टोरी तो सुनी लिया आपने कि मैं इतना लेट क्यों करती, धूप क्यों आ रही मेरे चेहरे पे। एंड दिस इज़ अ वेलकम ड्रिंक जो हमें मिली है। एंड पीछे आप देख रहे हो 1650 खड़ी है एंड 1000 खड़ी है, दोनों कावासाकी एंड ज़बरदस्त बाइक है। इनकी आवाज़ अभी जब हम जाएंगे तब सुनेंगे। अब मैं लेट हो गया तो मैं तो आवाज़ सुन नहीं पाया। नहीं सुनी अभी तक आवाज़। अच्छा तूने भी नहीं सुनी? मैंने भी नहीं सुनी। तो ये बाद में आए हैं? नहीं, ये हमसे पहले के आए हुए। अच्छा, ये इससे भी पहले के आए हुए हैं। तो 6 बजे का मीटिंग पॉइंट था, मैं निकला था घर 8:30 बजे, फ़ोन बंद हो गया था। और अब ये देखो, ये बाइक खड़ी जैसे कि आप देख चुके हो, और ये आपका पिट शॉप है, ये पेट्रोल पंप के जस्ट साइड में GFR रोड पे। एंड ये रोड तो भाई, ये जो बाइक चलाते हैं उसे पता ही होगी ये रोड क्या है, बताने की ज़रूरत नहीं है। समंदर आ गए हैं एंड ये देख रहे हो यहाँ का पूरा ये सेटअप है। एंड ये हमारे भैया हैं अंकुर भैया। हाय अंकुर भैया, अब इनसे सही से मुलाकात कराएंगे, पहले ज़रा जगह दिखाते हैं व्यूअर्स को जगह कैसी है। तो ये आपको थोड़ा सा प्राइवेट प्लेस मिल जाती है। एंड ये पीछे अभी पूरी ऑफ रोडिंग बन रही है, तहलका मच जाएगा यहाँ पे जब ऑफ रोडिंग बनेगी ना, तो सारे बुलेट वाले भाई सारे यहीं पे आओगे और ऑफ रोडिंग में गेड़ियाँ मारोगे। तो ये चीज़ भैया बताएंगे। भैया आपका नाम क्या है? ये यूनिक राइड प्रोडक्ट है हमारा, इट्स अ फिशियल रिड्यूसिंग कॉन्सेंट्रेट। ओके, तो बेसिकली क्या करता है, अभी जितने भी एडिटिव मार्केट में आ रहे हैं ज़्यादातर ऑयल को ट्रीट करने वाले हैं। तो ऑयल को ट्रीट करने वाले, या करेक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट मेटल पर ट्रीट करता है। बेसिकली क्या है, इंजन का जो टेम्परेचर है 4 से 5 डिग्री कम कर देता है। इंजन का टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री कम कर देगा अगर हम ये अपने ऑयल के साथ यूज़ करें, पेट्रोल के साथ? अच्छा, ऑयल के साथ, इंजन ऑयल के साथ यूज़ करना है, ठीक है। तो जैसे कि देख रहे हो मशीन स्टार्ट हो गया, आपको डेमो दिखाते हैं बहुत बढ़िया से। ये हम क्लीन कर रहे हैं, यहाँ पे ऑयल डालेगा, बॉल बिल्कुल क्लीन है। तो देख लें कितना वेरेंटी आ रहा था बॉल में। ओके, तो ये देखो ये कितना वियर हुआ है। तो ये हमने अभी दूसरा ऑयल यूज़ किया था, तो अब जो हम करेंगे उतना ऑयल यूज़ करेंगे। तो लाइव डेमो हो रहा है, ऐसे लाइव डेमो यार कोई नहीं दिखाता, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ऐसे लाइव डेमो किसी भी कंपनी का नहीं है। ओके, यूनिक का मल्टी स्प्रे है ये। आवाज़ रिड्यूस हो गई। तो यार ये देखो, कुछ भी वियर एंड टियर नहीं हुआ, और फोर्स बहुत ज़्यादा लगाई थी भैया ने। तो आप लोगों ने देखा है यार यूनिक लाइट का प्रोडक्ट कैसा है, लाइव डेमो भी देखा है। तो अगर आपको ऑर्डर करना है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके, इंस्टाग्राम का लिंक है, आप ऑर्डर कर सकते हो। एंड आकाश भैया का नंबर भी आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप इनसे भी ऑर्डर कर सकते हो एंड आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। लॉन्ग लास्टिंग, एवरेज बढ़ेगी, इंजन अच्छा होगा, बाइक की लाइफ बढ़ेगी, और क्या चाहिए बाइकर्स को। तो ये मेन्यू भी देख लो यहाँ का, यार बहुत ही रीजनेबल मेन्यू है। तो आपको यहाँ पर रुक के ज़रूर एक बार कुछ ना कुछ ऑर्डर करना चाहिए। एंड खाना दिखता है खाना कैसा है यहाँ का। एंड अभी यहाँ पे बहुत चिल चल रहा है, यहाँ पे सारे हम मजे कर रहे हैं। राइट नाउ वी आर विद सारथी। हाय सारथी भैया, तो यहाँ पे आप सब अभी संभालते हो इधर का? ओके, आपको आपको आइडिया आया कहाँ से? ये आइडिया एक्चुअली मेरा और अंकुर भैया का था। ठीक है, या ओके, क्वालिटी फूड और गुड एम्बियंस के ऊपर ये बनाया गया है। एग्जैक्टली, एंड राइडर टच। राइडर टच, ओके। तो इसमें क्या अपग्रेडेशन सोच रहे हो आगे?
अभी इसके अंदर बहुत सारी अपग्रेडेशन होनी बाकी है लाइक दिस होल वॉल ओके दिस इज एम्प्टी राइट नाउ या सो व्हाट वी आर प्लानिंग इज दैट कैन यू सी दोस टाइप ऑफ नंबर प्लेट्स देयर या नंबर प्लेट्स सो वी आर प्लानिंग टू गेट इट हियर ओके काइंड ऑफ लाइक एन इंटीरियर एग्जैक्टली एंड वी आर प्लानिंग टू गेट सम बाइक्स पेंटेड ऑन द काउंटर्स दैट वुड बी वेरी गुड एंड यू कैन आल्सो हैव सम क्रॉप्स लाइक बाइक क्रॉप्स यस लाइक समथिंग हियर और देयर बट ओवरऑल मेरे को बहुत अच्छा लगा और आपने जो वेलकम ड्रिंक दी थी तो बहुत थैंक यू वेरी मच सो ओपन कब होता है आपका ये सो ऑन वीकडेज इट ओपन्स एट 9 AM ओके वीकडेज में 9 AM एंड वी फॉर नाउ वी क्लोज एट 9 PM ओके 9 टू 9 एंड ऑन वीकेंड्स ओपन्स एट 7 AM 7 ओके 7 AM बहुत जरूरी है संडे की राइड हर पे मारता है यहां पे ओके तो ये ओपन कब हुआ इनॉग्रेशन कब हुआ इसका लास्ट लास्ट फ्राइडे दैट इज अराउंड ओके 21st/2nd के अराउंड हुआ है तो बहुत ही रीसेंट चीज है मुझे काफी मजा है एड्रेस बता दो एक बार अच्छे से सो दिस पर्टिकुलर प्लेस गोज ऑन टू गुड़गांव फरीदाबाद रोड गुड़गांव फरीदाबाद रोड दिस प्लेस कॉल्ड मांगर मांगर ओके पेट्रोल पंप इज हैट्रिक पेट्रोल पंप हैट्रिक पेट्रोल पंप सो कैन वी फाइंड दिस अमेजिंग प्लेस ऑन गूगल मैप्स पिट स्टॉप द पिट स्टॉप फरीदाबाद द पिट स्टॉप फरीदाबाद एंड यू विल बी देयर ऑन द टॉप यस ऑन द टॉप फॉर द सेकंड वन ये सो दैट्स ऑल विद दी आरती भैया आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे तो थोड़ा फूड ट्राई करते हैं कैसा फूड है एंड मुझे तो लगता है अच्छा ही होगा मुझे देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो होगा टेस्ट भी अच्छा होगा एंड बहुत ही फ्रेंडली गाय हैं आप यहाँ पे आओ यार राइड पे बहुत सारे हैं बट मस्ट ट्राई पिट शॉप ओके सो आई होप यू एंजॉय द टाइम लैप्स एंड देखते हैं खाने में कैसा है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है खाना देखते हैं कैसा लगेगा बहुत अच्छी चीज़ है एंड हेल्दी भी है तो आप अगर राइड पे आओगे तो आपको मजा भी आएगा ऐसा मान ले क्यों नहीं करा गलत बात है तो यहाँ पे एक फ्री वॉशिंग भी है एंड जैसे ये आप देख रहे हो ये गन वाली वॉशिंग है प्रेशर वाली तो फ्री वॉशिंग है वॉशिंग भी करा लेना आज की यात्रा यहीं खत्म होती है भाई का गजब वाला हेलमेट भाई प्लीज मीट अंकुर भैया द ओनर ऑफ द शॉप तो अंकुर भैया यहाँ पे कैसे आना है वो मैंने तो ये ओम भैया भी है हमारे एंड यहाँ पे आने का ऐसे आपको बता दिया है एंड बहुत मजा आया लिटरली थैंक यू वेरी मच आपने हमको इन्वाइट करा यहाँ पे तो होपफुली ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी आप आगे बहुत अच्छा चले और हम यहाँ पे आते रहे हर बार आपके साथ तो वीडियो पसंद आए तो क्या करना है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर सब कुछ पता है ऑलरेडी तो एज ऑलवेज आज दोबारा हमको टेक्निकल ग्लिच से सामना करना पड़ रहा है और हमारी ऑडियो उड़ चुकी है सो असुविधा के लिए खेद है।